हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आपकी प्रिपरेशन वगैरह बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ अपनी सैलरी स्लिप के बारे में कि किस तरीके से सैलरी वगैरह आती है, कहाँ कहाँ पर डिडक्शन होता है, हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो थोड़ी सी मोटिवेशन भी आपको मिलेगी और साथ ही साथ चीज़ें भी क्लियर होंगी कि किस लेवल पर कितना आपको सैलरी मिलता है। थोड़ा बहुत ये आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये मेरा मई मंथ 2023 का सैलरी स्लिप है और मैं अकाउंट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हूँ इन रेलवे। और मेरा जो स्टेशन है वो रंगिया डिवीज़न है, जो कि गुवाहाटी से थोड़ा सा पहले पड़ता है। और यहाँ पे जो पे लेवल है ना, वो है 5। पे लेवल 5 है, जो जितना भी आप लेवल ऊपर जाओगे उतनी ही आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो, सारी चीज़ें हैं, कुछ डिटेल्स मैंने हाइड कर रखी है। यहाँ पे मेरा नाम है और यहाँ पे पिताजी का नाम था, इसको मैंने हाइड कर रखा है। बाकी और देखिए, जो मेरा बेसिक पे है ना, वो 29,200 रुपये, यानी 29,200 रुपीज़ जो है वो मेरा बेसिक सैलरी है। उसके बाद देखिए, जो बेसिक सैलरी है उस पर बहुत सारा इंक्रीमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट देती है अपनी तरफ से, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। और जो हमारी जो सैलरी आ जाती है वो एग्जैक्टली 31 तारीख को आ जाती है। अगर मंथ एंड है तो 31 का तो 31 तारीख को आएगी, 30 का है तो 30 को आएगा, 29 का है तो 29 को, और 28 का है तो 28 को सैलरी आती है। तो एग्जैक्ट लास्ट डे पे, अगर प्राइवेट मेरा बैंक है, जैसे यहाँ पे मैंने कोटक का बैंक लगा रखा है, तो कोटक में भी एग्जैक्ट लास्ट डे सैलरी आती है। एक दिन भी लेट नहीं होता है, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ सुबह 8:30 तक, यानी जब भी पहली नींद खुलती है मेरी, उस दिन मेरी सैलरी आ जाती है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा तो क्या क्या चीज़ें जो है वो मुझे मिलता है। तो यहाँ पे देखो, जो बेसिक पे है वो 29,200 है। इसके बाद इस पे जो डीए है, यानी डियरेंस अलाउंस है, जो गवर्नमेंट आपको सुख सुविधा के लिए, मतलब रहने के लिए सब सारी चीज़ें देती है, वो है 12,264 रुपये। ये आपका जो मिलता है, ये 42% है आपका बेसिक पे का, यानी बेसिक पे का 42% जो है वो आपका जो भी बेसिक पे रहेगा उस पे 42% डीए जो है आपको गवर्नमेंट देती है। एचआरए है, एचआरए आपका हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो आपका, मतलब घर वगैरह के लिए 2,628 रुपये देती है। हालांकि ये तो बहुत कम है, मतलब कि अगर आप कहीं भी रहते हो तो वो आपको 4,000 के आसपास, 5,000 के आसपास रूम मिलता है, बट ठीक है, 2,628 रुपये आपका हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी 2,556 रुपये यहाँ पर मिल रहा है। और बाकी एसडीए है, जो ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंस है, क्योंकि मैं असम में रहता हूँ, तो असम में जितने भी डीआरएम ऑफिसेज है जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, वहाँ पे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है हम लोग को। तो ये 2,920 रुपये यहाँ पर मिलता है। असम में कुछ ऐसे स्टेशंस भी हैं जहाँ पर ये आपको एसडीए नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिलता है। असम में बहुत सारे स्टेशंस हैं या फिर बहुत सारे डीआरएम ऑफिसेज हैं जहाँ पर आपको एसडीए स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। उसके बाद है यहाँ पे आरएलए। आरएलए का मतलब होता है रिमोट लोकेशन अलाउंस, यानी कि मेरा जो लोकेशन है वो रिमोट लोकेशन है, थोड़ा सा बिल्कुल सिटी से कटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उस तरह की जगह आप समझ सकते हो। तो वहाँ पे 480 रुपये मिलता है। और इसका कोई मतलब नहीं है, रिमोट लोकेशन अलाउंस है तो यार महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, इस वजह से ये 480 रुपये मिलता है। ये तो बिल्कुल एक दिन का ही खर्चा है यार, समझ लो, क्या ही बताऊँ, ये तो बहुत ही कम है, इसको थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। बाकी CGIS जो है, ये मेरा 9 रुपये कट जाता है। ये एक तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस स्कीम होता है, इसका 9 रुपये कटता है पर मंथ। NPST है, न्यू पेंशन स्कीम, जो टैक्स है ये आपका कटता है, टैक्स क्या उसको क्या बोलते हैं, डोंट नो, न्यू पेंशन स्कीम जो NPS, उसका पैसा कटता है ये 4,146 रुपये। और ये टोटल इसमें गवर्नमेंट वगैरह भी बहुत कुछ ऐड करती है, तो ये 9,900 कुछ रुपये करके आता है, ऐसा कुछ करके आता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा वो कितना आता है। वो आपको जब आप रिटायर हो गए तभी आपको पूरा का पूरा रिफंड होता है, नहीं तो उससे पहले आपको कुछ ही परसेंट इसमें से 30 या 40% के आसपास मिल पाता है। ये इनकम टैक्स है, आप 5 लाख के ऊपर अर्न करते हो तो आपका इनकम टैक्स जो है वो आपका हर मंथ कटेगा। ये 1,330 रुपये जो है वो मेरा इनकम टैक्स हर मंथ कट जाता है। और ये मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ी, और सैलरी बढ़ते ही मैं 5 लाख क्रॉस कर गया, उसके बाद ये 1,330 रुपये कट जाते हैं। बाकी जो असम का टैक्स है वो 208 रुपये कटता है। ओवरऑल मैं आपको सैलरी दिखाता हूँ कि मेरा जो ग्रॉस पे है, यानी कि टोटल मेरी जो सैलरी बनती है वो 50,048 रुपये बनती है। यार मतलब 50,000 इन हैंड आता तो काफ़ी सही लगता है, लेकिन जो डिडक्शन हो जाता है ये सब आपको मैंने दिखाया, ये NPS वगैरह का डिडक्शन होने के बाद 5,693 रुपये, यानी 5,500 रुपये के आसपास जो कट जाता है, उसके बाद 44,355 रुपये इन हैंड सैलरी मिलती है। और सैलरी बहुत ही टाइम से आती है दोस्तों, रेलवे में अगर आप हो तो सैलरी बहुत ही टाइम से आती है। तो ठीक है, अगर आप फ्यूचर की कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपका और भी ठीक, और अगर आप अकेले हो या फिर बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, तो आपका काम 44,000 रुपये में चल जाता है। बाकी क्या सीन रहता है यार, कि मतलब कि जॉब के बाद कैसे चीज़ें चलती हैं और कैसे मैनेज हो पाता है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, बहुत से लोग को मतलब अंदर से होता है कि यार क्या सैलरी आने के बाद उतने में काम चल जाता है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अगर आपको बाइक लेना है या फिर कोई भी चीज़ लेनी है तो किस तरीके से आप चीज़ें मैनेज करते हो, और कितना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एक नए एस्पिरेंट को या फिर नए जो ज्वाइनिंग होते हैं उनको, वो सब चीज़ें मैं वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। बाकी आपको
मैंने दिखा दिया 44,355 रुपये सैलरी, ठीक ठाक चल रहा है। मतलब आपके फैमिली में 3 से 4 लोग हैं, मम्मी पापा छोटे भाई और एक बहन, तो मतलब कि इसमें आपका नॉर्मल खर्चा चल जाएगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन नॉर्मल चीज़ें चल जाती हैं, क्योंकि जैसे ही आप जॉब पाते हो तो आपकी चीज़ें और ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। तो चलो दोस्तों, आई थिंक यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना सारा मेहनत करने के बाद भी सब्सक्राइबर्स वगैरह थोड़ा उतने तेज़ी से गेन नहीं हो रहे, बट ठीक है, 1 साल हो गए। और फिलहाल मैं चलता हूँ, और कुछ नए और कुछ अलग वीडियो को लेकर मैं जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।